मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, मोनोक्रोम कलर स्कीम, कोई बता सकता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के बारे में? यस एनीवन? सी दिस इज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, मीन्स जब आप किसी भी सिंगल कलर्स के साथ, सिंगल कलर ह्यू के साथ, जब आप ब्लैक और व्हाइट स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हो तो उसे आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कह सकते हो। मीन्स सिंगल कलर ह्यू का आप जब भी डिफरेंट डिफरेंट टोनल वैल्यूज क्रिएट करते हो तो उसे आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कह सकते हो। तो आज के लेसन में हमें मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम स्टडी करना है। ओके तो फर्स्ट आई विल गिव यू स्मॉल डेमो एंड देन यू कैन स्टार्ट योर असाइनमेंट्स। तो फर्स्ट थोड़ा कैमरा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको पिक्चर प्लेन विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं कैमरा मोड, कैमरा का जो डायरेक्शन है वो चेंज करने जा रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। कौन सा कलर लिए? वेट वेट वेट, आई विल टोल्ड यू स्टेप बाय स्टेप। See this assignment. सर, Yes. वी हैव टू यूज पोस्टर कलर्स। यस, ओपेक पोस्टर कलर। ओके ओके सर। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जरूरी कि आपको रेडी कलर यूज करना है, प्राइमरी कोई भी बेसिक कलर आप यूज कर सकते हो, मीन्स ओके ब्लू, सर। ब्लू येलो रेड या फिर सेकेंडरी कलर्स में से ऑरेंज ग्रीन वॉयलेट यू कैन यूज। पेंसिल करिश्मा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके सर, सर, Yes. सर ये आपने कौन कौन से कलर लिए ड्राइंग में? रेड कलर, बट यू कैन यूज एनी अदर कलर, आप कोई डिफरेंट शेड कलर यूज सकते हो, जरूरी कि आपको रेड कलर नहीं करना है। ब्लैक और व्हाइट कलर के, ब्लैक और ब्लैक व्हाइट। सर स्टेप बाय स्टेप में ऐड करते जाना है आपने। मिक्स कर ले ब्लैक और व्हाइट तो सही। जस्ट सी
शो हाउ टू प्रिपेयर दिस कलर स्कीम. आज भी एक ही पेपर लेना है, पेपर ये ड्राइंग बुक में ही कर ले ऐसे ही। ठीक नहीं, आपको ड्राइंग बुक में कंटिन्यू करना है. सॉरी बाय मिस्टेक. सर कितने सेंटीमीटर का करना है? नॉट सेंटीमीटर, इंचेस, 5 बाय 7 इंचेस. ओके सर. इस वेरिएशन एक्चुअली हम करते हैं 9 कलर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 9 चीज आपको सर करनी है. ओके, और इसके लिए आपको यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स यूज किया है. डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर सकते हो आप, फ्लावर्स यूज कर सकते हो, बटरफ्लाइज कैन यूज, बटरफ्लाई, फ्लावर, लीव्स, हॉट बर्ड. सर हाउ मच इंचेस वी हैव टू मेक द बॉक्स? यस, 5 बाय 7 इंचेस, 7 इंचेस बाय 5 इंचेस. हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप साइज यूज करना है आपके काम को. आपके सर में हमने यहाँ पर फिश एलिमेंट को यहाँ पर यूज किया था, बट यहाँ पर मैं असाइनमेंट सर चेंज करने जा रहा सर हूँ. तो यस, ये कलर सही बन सर ये कलर सही बनाएंगे? बट आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ. इसके बाद आपको कलर आपको पहले अप्लाई करनी है स्टेप बाय स्टेप. ओके सर. फर्स्ट आपको ड्राइंग क्रिएट करना है. यहाँ पर देखो, लास्ट असाइनमेंट आप देखोगे इसमें मैं फिश एज आर्ट को फिश मैंने यहाँ पर अरेंज किया था. यहाँ पर मैं डिफरेंटली इसको बर्ड शेप यूज कर रहा हूँ, तो इसको क्रिएट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेम असाइनमेंट को डिवाइड करना है 6 इन 9 पार्ट. 1
थ्री फोर फाइव सिक्स सर ग्रीटिंग कार्ड डिजाइन कब तक सबमिट करना है? सेवन एट एंड नाइन। ग्रीटिंग कार्ड एक्चुअली ऑलरेडी गूगल क्लास में उसका डेट साइन कर दिया है। 11 अगस्त। ओके तो 9 पार्ट्स में आपको सेम पार्ट्स को डिवाइड करना है लाइक दिस। लास्ट असाइनमेंट में आई थिंक मैंने रेड कलर यूज किया है। आज थोड़ा कलर्स सर सर प्लीज शो द ड्राइंग अगेन। सर यस सर प्लीज शो द डायग्राम। प्लीज कम ऑन योर कैमरा। नो सर ऑफ योर्स। आपको क्या करना है, पहले टोनल वैल्यूज लाइट कलर हाई की हाई की लाइट वाइट प्लस ब्लू मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनो सिंगल क्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक कलर। लाइट कलर्स व्हाइट ब्लू ऐड करना है, ब्लू को व्हाइट ऐड नहीं करना है। फर्स्ट टोन आपको फिलअप करना है। कलर आपको बैक साइड में रिपीट करना है अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। जैसे यहाँ पर मैंने हाइकिंग यूज किया सेम हाइकिंग मैंने फिर डाल में यूज किया है बैक साइड में। सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा अपोजिट डायरेक्शन।
बाद नेक्स्ट तो आपको सेम इसमें ब्लू प्रोपोर्शन ऐड करना है। सर मैं ग्रीन, सर मैं ग्रीन कलर नहीं, सर मैं ब्लैक कर लूं? ब्लैक कलर, एक्चुअली ब्लैक इज नॉट कलर, ब्लैक को हम कलर के कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं। सर ब्लू ले लूं? हेलो हेलो ब्लैक कलर, ब्लैक और व्हाइट ये दोनों कलर कैटेगरी में, हम कलर कैटेगरी में नहीं आते हैं। कलर कैटेगरी में इसके अलावा जो प्राइमरी कलर्स से जो भी बनते हैं कलर्स, उन सबको हम कलर कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, बट ब्लैक और व्हाइट जो है वो कलर कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आप सारे कलर्स एक जगह पे मिक्स कर देते हो थ्रू द लाइट तो क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर हम एक से ज्यादा लाइट एक जगह पे एक स्पॉट पे एक्सपोज करते हैं तो क्या होगा? थ्रू द लाइट वो डार्क बन जाएगा, वो डार्क बन जाएगा, नो लाइट सर व्हाइट कलर बन जाएगा बेटा। जब हम लाइट के थ्रू जब एक से ज्यादा कलर जब मिक्स करते हैं तो व्हाइट कलर क्रिएट होता है, बट थ्रू द पिगमेंट, थ्रू द पिगमेंट मींस कलर के थ्रू, पिगमेंट के थ्रू जब हम एक से ज्यादा कलर एक जगह पे मिक्स करते हैं तो ब्लैक कलर बनता है। ओके, सेम कलर हमें बैक साइड में भी रिपीट करना है। सर प्लीज एडजस्ट द कैमरा। जस्ट ओके यस सर। ओके कलर पैलेट,
कलर्स को केयरफुली आपको मिक्सिंग करना है, अदरवाइज दूसरा अगर कलर मैच हो जाएगा तो उसका मोनोक्रोम जो है वो चला जाएगा। मैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्रिएट करने हैं, तो व्हाइट आपका कैमरा बंद हो गया है क्या? सर, आपका कैमरा ऑफ हो गया। नो सर, नहीं बेटा, आई थिंक आपकी ओर से कोई एरर है, कैमरा तो प्लीज चेक योर इंटरनेट। लेसन आपको जब भी आप वर्कआउट करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप ही एप्लीकेशन करना है। जैसे मैं इतना थोड़ा फास्ट एप्लीकेशन कर रहा हूँ ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन वक्त में पूरा हो, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वर्कआउट कर रहा हूँ। बट आपको इतना फास्ट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे काम करना है। ओके, अभी इसमें और थोड़ा ब्लू कलर्स ऐड करते जाएंगे। जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, अगर आप कलर्स यूज कर रहे हो तो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज है। मीन्स आप अनगिनत टोनल वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो। येलो कलर थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाते हैं येलो कलर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो, बट अदर कलर्स जो है इसमें काफी पॉसिबिलिटीज है, काफी टोनल वैल्यूज आप क्रिएट कर सकते हो।
जनरली आपको फर्स्ट थ्री टोन्स 1 2 3 हाई की, हाई की मीन्स आपको यहाँ पर व्हाइट का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको व्हाइट प्रोपोर्शन ज्यादा ऐड करना है, उसके बाद हाई की मिडल की, मिडल की 1 2 1 2 3 1 2 3 मिडल की, मिडल की आपको ये ब्लू कलर्स को यूज करना है, बट उसके साथ साथ आप ब्लू और व्हाइट दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, ब्लैक और व्हाइट दोनों यू कैन ऐड इन दिस पोर्शन। सो सी माइंस, यस करिश्मा थोड़ा जूम करो बेटा, मुझे विजिबल नहीं हो रहा है आपका। अच्छा सर, सी, हाँ यस वेरी गुड, हाँ यस वेरी गुड। सो कैन आई यूज रेड कलर? ओके नो प्रॉब्लम, ओके सर। ये वाला टोन्स जो है मर्ज हो जाएगा उसमें, यहाँ पर एक न्यूट्रल टोन्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, जो कि इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे ब्लैक कलर ऐड करते जाएंगे, ब्लैक कलर ऐड करना है इसके अंदर आपको भी।
ब्लैक कलर। नेक्स्ट टोन थोड़ा डीप रहेगा, इससे भी थोड़ा डार्क कलर ऐड करना है। ब्लू प्रोपोर्शन कंपेरेटिवली ज़्यादा रहना चाहिए, ब्लू के साथ ब्लैक कलर ऐड करना है। लिसन, आर्ट असाइनमेंट अगर आपका मान लो कि ड्यू डेट ओवर हो जाता है, बट आपने 70-80% वर्क फिनिश कर दिया है, तो आपको जल्दबाजी में उसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। भले 2 दिन और हो जाए, लेट हो जाए, बट वी वॉन्ट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है आपको। भले ही असाइनमेंट आप 2 दिन लेट सबमिशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पेशेंस, आपके जो आपका जो कलर सेंस है वो असाइनमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट साइज पैचेस जब आप पेंट करते हो तो ब्रशेस चेंज करने हैं आपको। ब्रश की जो पॉइंट है वो जैसे आपका स्पेस का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज करना है। यस सुमित, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ऐसे इमोजी के थ्रू आप अगर इंटरेक्ट करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो बेटर है कि आप कैमरा ऑन कर दो और फेस टू फेस जो भी आपके प्रॉब्लम्स है सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यस सुमित, हाँ वेरी गुड जिया। आपको क्लियरली ग्रेडेशन यहाँ पर शो करना है। मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन असाइनमेंट, इन दिस असाइनमेंट। एक्सट्रीम लो की, लो इंटेंस जिसे हम डार्क कलर कहते हैं, जो करीबन ब्लू के ब्लैक के आसपास ही चला जाएगा। एक्सट्रीम डार्क कलर सेम कलर अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट करना है आपको।
एक्सट्रीम डार्क, ब्लैक के इंटेंसिटी के बराबर ही टोन आ जाएगा लास्ट वाला। ओके तो इस तरह से आपको मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम आपको यूज करना है और असाइनमेंट को फिनिश करना है। सी, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के एग्जांपल है। वेरी गुड करिश्मा, गुड जॉब। बट सेम कलर आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी रिपीट करना है बेटा। आई थिंक आपने फर्स्ट टोन मिस कर दिया है। फर्स्ट टोन, फर्स्ट टोन करिश्मा, यस सर। जो टोन आपने अभी फिलअप किया है वो टोन उसके। सर ओके ओके ओके, वेरी गुड 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 जॉब। यस सर। हाँ यस जी हाँ, योर कैमरा क्वालिटी नॉट, अच्छा योर कैमरा इज नॉट क्लियर। जिया वेरी गुड करिश्मा, ओके लास्ट, आई थिंक लास्ट 5 मिनट बचे हैं हमारे पास अभी। अगर मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम असाइनमेंट के बारे में कोई आपके क्वेश्चन है या कोई पार्ट्स आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस असाइनमेंट्स प्लीज आस्क मी। सर, यस सर ऑन व्हिच स्टेज वी हैव टू कलर लाइक ब्लैक वन। आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड टोन आपको व्हाइट कलर ऐड करके करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे डार्क की ओर जा सकते हो। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड टोन व्हाइट प्रोपोरेशन पर जनरली नहीं जाएगा 70-80% व्हाइट। पागल है क्या ओके स्मृति, सचिन, हरीश, यार। कोमल, यस सर। प्लीज शो मी योर असाइनमेंट। सर अभी पूरा नहीं हुआ है। स्मृति, आरशी, कुशाग्र, हाँ यस सर, कोमल, सुथार, ये कोमल रेगर एंड कोमल मीना, वेयर इज कोमल यस मीना, ओके एंड कोमल मीना, सर एब्सेंट है वो। ओके सर शी नॉट जॉइंड सर आवर। पैरेट की जगह कुछ और बना सकते हैं क्या? हु सॉरी कौन बोल, सर वेरी गुड कोमल, कोमल वेरी गुड बेटा, गुड जॉब। डू नॉट मेक डार्क आउटलाइन,
ब्लर लाइन होना चाहिए, जस्ट आपको लाइन का पता चलना चाहिए कि आपने लाइन ड्रॉ किया है। सर पैरेट के जगह कुछ और बना सकते हैं क्या? सॉरी सर वो पूछ रही है कि बर्ड की जगह कुछ और भी बना सकते हैं क्या? हाँ, आप बर्ड की जगह और कोई बटरफ्लाई यूज कर सकते हो, कोई और डिफरेंट शेप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनी अदर नेचुरल और मैनमेड शेप। ओके सर। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। इस असाइनमेंट को आपको जल्द से जल्द सबमिट करना है, कंप्लीट करना है, और आपके गूगल क्लास पे इसे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसे टर्न इन जरूर करना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि नोटिस किया है कि कई सारे बच्चे असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं, बट वो असाइनमेंट मुझ तक पहुंचता ही नहीं है। स्टेटस बताता है कि असाइनमेंट सेंड हो गया है, सबमिट हो गया है, बट असाइनमेंट का तो फोल्डर ब्लैंक होता है। तो प्लीज एक बार जब आप सबमिट करोगे तो प्लीज चेक कर लो कि आपका असाइनमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो आज के लेसन में हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सर प्लीज माय असाइनमेंट। ओके हाँ, वेरी गुड करिश्मा, गुड जॉब। जस्ट मिनट जिया, जस्ट मिनट। हाँ यस, गुड। बट आपको ना पैचेस जो टोनल वैल्यूज का ग्रेडेशन है वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए बेटा। जिया सी यस दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइट टू डार्क। ओके, तो आज हम यही रुकते हैं। सी यू, बाय बाय।